नमस्कार, आप लोग को फान इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे टॉप करंट अफेयर्स 2021 में। हम यहाँ पे मोस्ट वांटेड 1000 क्वेश्चंस के आपके देखने वाले हैं सीरीज को। तो उसका पार्ट एक थर्ड है, जिसमें जो है 1 जनवरी 2021 से 1 नवंबर 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसका आपका 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखें, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल सके। देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है मिशन कल्पतरु के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिशन कल्पतरु दे रखा है, तब इसके बारे में दे रखा है आपका महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों में कुपोषण की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। ये चीज़ आपका क्या है यहाँ पे सही है। आगे कह रहा है खाद्य एवं पोषण की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 200 मिलियन पेड़ों को खाद्य वन के रूप में रोपे जाने का सरकार का लक्ष्य, ये भी आपका सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अच्छे पोषण के महत्व के बारे में महिला स्वयं सहायता समूह को संगठित किए जाने की योजना है, एकदम गलत है। ठीक है, ये महिला स्वयं संगठन सहायता समूह को जो संगठित किए जाने की योजना नहीं है। ये जो यहाँ पे खाद्य वन से संबंधित यानी पेड़ लगाने से संबंधित है, तो यानी आपका फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड केवल सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपका केवल सही हो जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन दे रखा वायरस पासपोर्ट, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया। तो वायरस पासपोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो वायरस पासपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो चाइना के द्वारा है, अपने नागरिकों के लिए इसको जारी किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो प्रोजेक्ट 75 की अगर आप बात करेंगे तो जो है परंपरागत जो पनडुब्बियों के निर्माण की बात की जा रही है, यानी पनडुब्बियाँ जो है उनके यहाँ पे निर्माण से बात की जा रही है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों के निर्माण से रिलेट करता है, यानी उससे संबंधित है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन आपका दे रखा है सुपर कंप्यूटर फुगाकू, सुपर कंप्यूटर फुगाकू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो है आपकी जो लिस्ट आई है 500 सुपर कंप्यूटर्स के, उसमें जो सबसे पहले लिस्ट मतलब टॉप में जो था जो लिस्ट आई है 500 की, उसमें जो टॉप लिस्ट में आपका है वो कौन सा है, पहले नंबर पे फुगाकू है, जो कि कहाँ का है, जापान का है। तो कह रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। सुपर कंप्यूटर फुगाकू को जापान की कंपनी रिकेन और फुजित्सु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, एकदम सही है, पहला वाला आपका सही है। ओके, दूसरा कह रहा है कि इसका अधिकतम संभव निष्पादन लिनपैक पर 442.01 पेंटा फ्लॉप है, ये भी आपका क्या है सही है। आगे कह रहा है कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किया जाएगा, ये भाई आपका गलत है, क्योंकि इसका जो है अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग सोसाइटी 5.0 एवं संपोषणीय विकास लक्ष्यों, औषधि अन्वेषण, सुरक्षित समाज के क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होगा, यानी आपका सी वाला यहाँ पे क्या है गलत है, सी यहाँ पे इसका गलत है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है शिक्षा के विभिन्न स्तर पर सकल नामांकन अनुपात के बारे में, निम्नलिखित सूचियों पर विचार करके सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो उच्च प्राथमिक में आपका जो क्या कहते हैं सकल नामांकन रहा है वो कितना रहा है, तो 89.7% रहा, यानी आपका फर्स्ट का जो है थर्ड में जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड में आपका देख सकते हैं ए वाले में है और सी वाले में है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा की अगर आप बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो किस पर रही है, तो आपका यहाँ पे उसमें आपका यहाँ पे 97.8% रही है, यानी आपका बी का जो है सेकेंड में चला जाएगा। सी का आपका जो है यहाँ पे किस में चला गया, देखिए पहला वाला जो है
थर्ड में गया, दूसरा वाला जो है यहाँ पे फर्स्ट में चला गया। और माध्यमिक जो शिक्षा की बात की जा रही है, माध्यमिक शिक्षा जो है किस में चला जाएगा, माध्यमिक शिक्षा की अगर आप बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा जो है 7.7 यहाँ पे 77.9% है। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे तो 51.4% है, यानी आपका 4 और 2 यानी आपका सी ऑप्शन सही है। यानी उच्च प्राथमिक के लिए 89.7%, प्रारंभिक शिक्षा के लिए 97.8%, माध्यमिक शिक्षा के लिए 77.9% और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए 51.4% है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन आपका दे रखा है डिजिटल भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी उसके बारे में जो है सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं, इस चीज़ को हमें पता करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 तक देश के 6 लाख गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी पहला आपका क्या है सही है, पहला यहाँ पर सही है। गाँव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए प्रारंभ की गई भारत नेट परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, एकदम गलत है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है इसको किया जा रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सरासर गलत है, यानी आपका बी ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी से जून 2020 में भारत में 749.07 मिलियन उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जा रहा है, ये भी सही था। उमंग ऐप में सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रमुख सेवाएँ आच्छादित थी, ये भी आपका सही है, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है, जून 2021 में पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन निम्न में से किन देशों के बीच चलाई गई, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट कंटेनर ब्लॉक ट्रेन रन इन जून 2000, मतलब कंटेनर पूरा ट्रेन को ही जो है एक कंटेनर की जैसी बनाई, मतलब उसको उठा के जहां पे चाहे तहां पे लेकर जा सकते हैं, तो किन दो देशों के बीच में चलाई गई, तो फिनलैंड और भारत के बीच में चलाई गई, ठीक है, यानी कहेंगे फिनलैंड और भारत के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कोट ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे फल उत्पादन मिलियन टन में आपका दे रखा है, ठीक है, तो अब आपका क्या भाई ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया क्या, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, प्रीवियस वीडियो में भी था शायद ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसमें जो है यहाँ पे आपका गुजरात उत्पादन, ये देखो इसका बी ऑप्शन था इधर, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में था। तो यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ आ जाओ भाई, नेक्स्ट का जवाब करेंगे, क्वेश्चन है वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग 2021। तो यहाँ पर जो रैंकिंग आपकी रही है भारत की कौन सी रही, 20वीं रही है। 8वें क्वेश्चन को जो आपका पीडीएफ में अपडेट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे उस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन प्रीवियस वाला, लेकिन आप जब पीडीएफ में जाएंगे तो वहाँ पे उस चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को खादी प्राकृतिक पेंट्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, मतलब खुद को ही अपने आप को ही ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया, किसने किया है, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, ठीक है, किसी और को नहीं बना के खुद ही बन गए हैं। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अनाज को भारत में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, तो भालिया चावल, भालिया चावल की बात करेंगे तो गुजरात का है, ध्यान रखेंगे भालिया चावल गुजरात, इसको भी जीआई टैग दिया गया। चक हाओ काला चावल जो है ये कहाँ का है, मणिपुर, काला चावल है मणिपुर। गोविंद भोग चावल की आप बात करते हैं तो बिहार का है, कहाँ का है, बिहार का। काला नमक चावल जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, यूपी का है आपका, ये सिद्धार्थ नगर
मिर्ज़ापुर जो ऊपर वाले आपके क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है उत्पादित होता है काला नमक चावल में। तो सभी को जो है जीआई टैग दिया गया है, यानी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसने जूनियर बॉयज विंबलडन चैंपियनशिप 2021 की मतलब उसको जो है जीता है? तो भाई किसने जीती है? तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो समीर बनर्जी, ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के। ठीक है, ध्यान रखेंगे समीर बनर्जी अमेरिका। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है 2021 के विंबलडन पुरुष ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप किसने जीती? तो यहाँ पे जो है पुरुष की बात की जा रही है तो नोवाक जोकोविच ने जीती, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। रनर अप जो रहे तो डेनियल मेदवेदेव रसिया के। ठीक है, रनर अप रहे मतलब उप विजेता रहे हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे और इसका आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विंबलडन महिला ग्रैंड स्लैम 2021 जीता है? तो यहाँ पे आपका महिला ग्रैंड स्लैम विंबलडन की बात की जा रही है तो जिसको जीता है एस्ली पार्टी ने। किसने जीता? एस्ली पार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। ध्यान रखेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है सिरिसा बांदाला के बारे में। तो कह रहा है भाई सिरिसा बांदाला के बारे में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सिरिसा बांदाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिरिसा बांदाला, तो इनके बारे में बांदाला ने 11 जुलाई 2021 को रिचर्ड ब्रैंसन के साथ अंतरिक्ष की यात्रा की। पहला आपका सही। बांदाला रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी सही है। बांदाला नासा के अंतरिक्ष की यात्रियों कल्पना चावला तथा सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है, यानी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी महिला। सिरिसा बांदाला का जन्म जो कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश गुंटूर जनपद में हुआ। ये भी आपका सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है T20 क्रिकेट मैचों में 14,000 से अधिक रन बनाने वाला विश्व का एकमात्र क्रिकेटर। तो भाई 14,000 से अधिक रन जो बनाया है क्रिकेटर कोई अगर है तो कौन है? क्रिस गेल वेस्टइंडीज। ध्यान रखेंगे क्रिस गेल वेस्टइंडीज ने सबसे ज़्यादा जो है T20 मैचों में जो है, चाहे वो IPL हो या कोई भी मैच हो, सभी का मिला के जो 20 फॉर्मेट्स के उनकी बात की जा रही है तो 14,000 रन अधिक बनाए हैं। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष का 14 जुलाई 2021 को उद्घाटन किया। रुद्राक्ष क्या है? तो रुद्राक्ष की बात की जा रही है तो रुद्राक्ष जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर है। ओके, ध्यान रखिएगा एक कन्वेंशन सेंटर। नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है जुलाई 2021 में समाचारों की सुर्खियों में रहे पेगासस की बात की जा रही के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन है मतलब जो पॉइंट्स दे रखे हैं, यह जासूसी करने वाला स्पाई वेयर है, एकदम सही है। इसे इजराइल के NSO ग्रुप द्वारा विकसित और सरकार को बेचा गया, मतलब उसके द्वारा विकसित किया गया, उसके बाद क्या किया गया, इसको सरकार को जो है बेच दिया गया, ये भी आपका सही है। आगे कह रहा है सांस्कृतिक गए अलावा अर्जन संगठन फारविडियन स्टोरियन तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा दावा किया गया कि यह भारत सरकार ने पेगासस के माध्यम से देश के 300 प्रमुख लोगों की जासूसी की। तो यहाँ पे ए भी आपका क्या है, सही दे रखा है, यानी आपका तीनों इसका सही होगा, सभी सही, यानी सी ऑप्शन आपका दे रखा है सही है। नेक्स्ट है और फटाफट जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है 2019-20 में भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना रहा है?
तो यहाँ पे जो सकल नामांकन रहा है उसका जो रेशियो आपका निकल के आया है वो कितना रहा है, तो 27.1%। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है नेट 0/250 किसके द्वारा जारी किया गया, यानी 2050 जो आपका नेट 0/2050 एक कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा किया गया है, तो इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोग के कुछ मामले भारत के केरल राज्य में जुलाई 2021 में पाए गए हैं, तो यहाँ पे जुलाई 2021 में पाए जाने वाले जो नए केस आपके देखने को मिले हैं तो जीका वायरस के, ध्यान रखेंगे इसका जीका वायरस के। अच्छा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा सुधार कीजिएगा इस चीज़ को, तो यहाँ पे था फ्रांस के एक गैर लाभ, ठीक है, फ्रांस के एक गैर लाभ उसके आगे पूरा एकदम सही आपका दे रहा है, ठीक है, गैर लाभ अर्चन संगठन के, तो इस चीज़ को यहाँ पे सुधार लीजिएगा, सांस्कृतिक गैर अलावा के अलावा जो है फ्रांस के एक गैर लाभ यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जीका वायरस भाई यहाँ पे पाया गया था जुलाई 2021 में बात की गई, नेक्स्ट है और इसका जवाब कीजिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है। सेग पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सेग की बात की जा रही है तो सेग है क्या पहले उसके बारे में देखेंगे वन बाय वन सभी जो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है सेग सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन का संक्षिप्त रूप है, एकदम सही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 4 जून 2021 को वृद्धों के लिए सेग पहल सेग पोर्टल लॉन्च किया, ये भी आपका सही है। इसका उद्देश्य देश में वृद्ध लोगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान करना, मूल्यांकन करना, पुष्टि करना तथा समाधान खोजना है, तो सभी आपके यहाँ पे तीनों सही है, यानी सभी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्या है और इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ पद पर 3 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु श्याम श्रीनिवासन की पुनः नियुक्ति जुलाई 2021 में की गई, मतलब इससे पहले भी वही थे लेकिन इनको फिर से बना दिया गया, तो किस बैंक का बनाया गया, फेडरल बैंक का बनाया गया, ध्यान रखेंगे फेडरल बैंक के इसमें सीईओ कौन है, तो श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बहुउद्देशी बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना का निर्णय सरकार ने जुलाई 2021 में किया है, ठीक है, 2021 आपका यहाँ पे जुलाई बोला जाए तो मतलब जुलाई से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहीं से बन रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके तहत किया गया है, मतलब किसके लिए किया गया, तो ये लद्दाख के लिए किया गया, ध्यान रखिए, ठीक है, लद्दाख के लिए जो है यहाँ पे बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा जो है विकास निगम की स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। एक अक्टूबर 2021 व 31 मार्च 2022 के दौरान, मतलब 1 अक्टूबर 2021 को भी और 31 मार्च 2022 के दौरान विशाल वैश्विक प्रदर्शनी एक्सपो 2020 का आयोजन किस देश में होगा, तो रहेगा तो इसी का वर्जन लेकिन जो है दो बार किया जाएगा, कब कब, 1 अक्टूबर 2021 को और 31 मार्च 2022 को, तो यहाँ कहाँ पर किया गया आपका जाएगा, तो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, अबू धाबी जो है इसकी राजधानी हो जाएगी और दिरहम यहाँ पे मुद्रा चलेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, क्लास ओवर होने की जो है आपका नेक्स्ट क्लास जब आएगी उससे पहले जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो परेशान नहीं उसको होना। और इसमें जो आपका एक चीज़ 8 नंबर जो क्वेश्चन था उसको जो है वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, जो राइट क्वेश्चन थे उसको ऐड कर दिया जाएगा वहाँ पर,
और फटाफट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अन्यथा जो आप हमें कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक जो है उसको दे दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। फानंग विदा से सर, थैंक यू।